हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, कैसी हो? वालेकुम सलाम जी, राम राम। मैं हेलो बोल रही हूँ, राम राम मुझे क्यों बोल रहे हैं? ठीक हो जी? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? शेर मलिक। शेर और मलिक दोनों? जी जी जी। वाह, आप शेर की तरह धाड़ के तो दिखाएं जरा, शेर कैसे आता है? शेर की धाड़ क्या होती है बताए ना जरा। आप बताए नाम आपका, शेर तो मैं कैसे बताऊं? हाँ? नाम आपका है ना शेर, मेरा नाम थोड़ी है शेर महलीज। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महलीज। महलीज, मह मह मह, वो गले से निकालना पड़ेगा आपको, मह। हाँ, वो अरेबिक वाला महलीज। अच्छा, अब आप शेर की तरह धाड़ के दिखाएं, शेर कैसे धाड़ता है? शेर भी क्या करना है, कल आपने, इसलिए मैंने आपको ये कमेंट्स किया है ना, कल आपने मजहब के बारे में बहुत बकवास किया है ना, आपने क्यों बकवास किया है? कौन से मजहब के बारे में? हमारे मजहब पे, इस्लाम पे। मैं तो सारे मजहब को बोलती हूँ। सारे मजहब को बोलती है, कल आपने बड़ा बकवास किया है, मैंने क्या देखा है ना। क्या बकवास की थी? बकवास ये कि ये इस्लाम में वो नहीं है, ये नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप ऐसे, आप अभी जो बात कर रहे हैं ना, मुझसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? भगोड़े भगोड़े, देखिए आप भगोड़े, सुन तो लो मेरी बात, सुनो ना, हम काम बात कर रहे हैं, मगर मेरी बात सुने पहले। जब आप आकर मुझ पे इल्जाम लगाओगे ना किसी चीज का, किसी भी चीज का, तो ये याद रखिए कि आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट याद होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मुझे कि तुमने ये कह दिया, वो कह दिया, आप मुझे बताओ एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने वो क्यों बोला और मैंने वो कहां से निकाल के बोला। तो जैसे आप आगे भी बात कर रहे हो ना, वो खुली एयर में, आप मजाक उड़ा रही थी। क्या मजाक उड़ाया आपने? बहुत सारी चीजें बोली। कौन सी चीज बोली? स्पेसिफिक चीज पे बात की, तो आप बताएं मैंने कौन सी एक चीज बोली जो गलत थी। कल देखिए, आपने ये बोला है कि पहले मैं मुसलमान थी, बाद में ये हो गया कि मुझे पता लगा कि लोग नहीं है, औरतों को मारते हैं। हम मुसलमान लोग वो इसलिए मारते हैं कि उस औरत को ही मारते हैं, जिस औरत फाशी के उसको अगर जहन में भी हो तो हम उसको मारते हैं, उनको हम मुसलमान लोग नहीं मारते, हम जालिम नहीं है। लेकिन आपने इतने बकवास किए कि मेरा यह खून कांप रहा था। मैंने कहा ये अभी मेरे सामने होती तो मैं उसको दिखाता, पाकिस्तान में भी होती तो क्या करते? आप सामने होती तो क्या करते? मैं तुम्हारे, अभी मैं आपको अब गलत जबान नहीं चला रहा हूँ ना, लेकिन आप अगर इधर होती पाकिस्तान में, हाँ? आपने ये बोले, अपने काम अपने तरीके से चलाओ, लेकिन हमारे जो मजहब है ना, हमारे जो मजहब पे मत जाओ, अपना काम जैसे भी करना है, जैसे मजहब के ऊपर आप अगर गई तो खैर नहीं है, आप कनेडा में, कनेडा में क्या करते बताए ना, क्या करते? आप भी दूर है ना, इसलिए आपकी तरह के लोग क्या बताए? आप मेरे सामने होते तो क्या कर लेते तुम, बताओ? अगर सामने होती तो मैं आपको बताता, अभी आप कनाडा में, मैं इधर पाकिस्तान में, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अरे ऐसे तो मजहब है, मजहब पे आप करते स्पेसिफिक बताओ ना, क्या करते? फट जाते, मुझे मार देते, मुझे मेरी पिटाई करते, मारते मुझको, क्या करते बताओ ना? पिटाई 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 नहीं करते, मैं डायरेक्ट में मार देते, आपके सॉफ्टवेयर डायरेक्ट में मार देते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दिखाओ कि तुम लोगों के अंदर कितनी पेशेंस नहीं है। कनाडा में आ जाओ, तुम्हारे पीछे कुछ क्या करूं? तुम कह रहे हो कि औरत को मारेंगे, क्यों मारेंगे? फहाशी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ यहाँ पर कि तुम आगे मेरे ऊपर चढ़ाई करो? तुम अपनी शक्ल देखिए, तुमने अपनी सब मुसलमान को खराब करने के लिए बैठी है ना आप। ये मुसलमान, ये लिबास नहीं है, ये लिबास औरतों का लिबास है। देखिए औरत को क्या, जो मर्जी करो क्या रहे, ये देखो, ये देखिए, इनका भी बहुत गुस्सा आ रहा है, इनको इनसे भी पूछो, इनका गुस्सा मुझे दिख रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है इनको, इनको देखो मजे, इनको अच्छी तरीके से इसकी जरा पिटाई तो करना।
मेरी तरफ से चप्पड़ तो मार के दिखा ना मेरे ये बकवास जो मेरे बॉस इसको पता चलेगा फिर ये पिटाई होती है तो कैसा लगता है। जो सही मुसलमान हो रहे थे ना उससे पूछ लो कि आपकी पिटाई हो रही है आपके घर में, उससे पूछ लो, अगर उसकी पिटाई हो रही है बिल्कुल ठीक है। देखो पिटाई सब करते हैं, पिटाई सब करते हैं, पिटाई यहाँ भी लोग करते हैं, गोरे भी करते हैं, काले भी करते हैं, चाइनीज भी करते हैं, सब करते हैं, मगर जिंदगी के साथ सिखा के औरत की पिटाई करो और फिर आप लोग जस्टिफाई भी करते हो कि वो फहाशी कर रही है, तो फहाशी डिस्क्राइब करो, फहाशी क्या है तुम्हारी नजर में, कोई सर दुपट्टा ना ले वो फहाशी हो जाती है, तुम्हारी नजर में औरत किसी से बात कर ले वो फहाशी हो जाती है, तुम्हारी नजर में यहाँ वर्कआउट करनी है इसको भी जवाब दो ना मैडम साहब। मेरी बात सुन लो, अपनी सारे अपनी मत बोलो, मेरी बात भी सुनो जरा ठीक है। आपने जो लिबास पहना है ना ये इस्लाम में इसकी इसकी इजाजत है, ये काफिर है यार, ये काफिर है, इसको छोड़ो, इसको बोलो इस्लाम के बारे में ना बोले। मैं इस्लाम के मुल्क में नहीं बैठी हूँ, तुम देख रहे हो मुझको, तुम मुसलमान अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, कॉल पे भी आए हो और मुझे भाषण दे रहे हो, अपनी मर्जी से इसलिए है कि आप इस्लाम के बारे में गलत बात कर रही है, अब इस्लाम को पता नहीं, जब आपको डंडे पड़ेंगे फिर आपको पता चलेगा इस्लाम में। दोजख में जाओगे तुम ये देख देख के, तुमको दो दम लेके जाऊंगी मैं अपने साथ, आओ देखो मेरी भाई ये बात याद रखो, जब तुम्हारी मौत आएगी ना फिर उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया था, ये तुम्हारे इस्लाम जी तुम्हारे लाइन लगा कर ना तुमको अपने पीछे दो दम में लेके जाऊंगी। आ जाओ, मुझे पता है आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है, इस्लाम में जिस चीज की इजाजत नहीं है वो इस्लाम में। यहाँ पे मुसलमान जी मेरी बात सुने, आपने कहा मैं पहले मुसलमान थी अब मुसलमान नहीं हूँ, मुसलमान तो इस्लाम में ये है कि कोई नहीं उसको सिर्फ एक मर्द देता है, और मेरे मेरे ख्याल में जो मुसलमान शादी करती है उसके साथ नहीं, उसने आपको देखा होगा रोजाना आप 10-10 आदमी अपने साथ अपने बिस्तर पर लेती थी, वो फिर आपको क्यों नहीं पिटाई करती आप, ये दिलाऊंगी मैं तुमको और गुना, आओ दोस्त की आग में तुमको जलाऊंगी मैं, आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें भी जलना होगा ना, तुम्हें भी तुम तो पैसे कमा रहे पहले जलना होगा, पहले मार के आप तो पैसे कमा रहे हैं ना मेरे पास, आप कंजरी हो, आप रंडी हो, इस्लाम के बारे में अगर आज की बात आपने बकवास की ना, आप रंडी हो, इस्लाम के बारे में बकवास की ना, तो आप ये जो चूत है ना इसके अंदर लोग डंडे डालेंगे। शेर तुम्हारे शक्ल सीधे खूबसूरत लड़कियां होती है मुसलमानों की, आपका शक्ल जो है अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, ये नहीं कि आप ये सोच रही है मैं बहुत प्यारी क्यूट हूं, जो मर्जी आप महंगी हो जाए हमारे आपके आपके ऊपर ध्यान नहीं है, शक्ल कैसी है आपके जहन में ये नहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, वो ऑनलाइन रोजाना हो जाऊँ लड़के मेरे साथ बातें करे, ये लुमड़ी लुमड़ी लेके अपने उतार दो, इसकी क्या जरूरत है, इसकी इसकी क्या जरूरत है, इसको भी उतार दो, पास आ जाओ मैं तुमको अपने साथ दोजख में लेके जाऊंगी। ओ भाई इतनी मुनाफिकत शर्म, खुद ही आए हो मेरे पेज पे, खुद आप कंजरी हो ना इसलिए हम तुम्हारे पास आए, कंजरी आओ कंजरी, आपने कल इस्लाम के बारे में गलत बकवास की था ना इसलिए हम आए, आप कंजरी हो, गलत बकवास तुम क्या लेने के आए थे मेरे पेज पे इन द बिगिनिंग, आपसे पूछने आया है इसलिए आया कि हम आपकी खूबसूरती देख खूबसूरती देख के नहीं आए हैं, हमने पाकिस्तान पाकिस्तान में आपसे अच्छी अच्छी लड़कियां आए हैं, ठीक है आप रोजाना लो आके बदले ये वजह एक्सरसाइज करो, क्या एक्सरसाइज करो, मैंने खुद सही मुसलमान बनो, ठीक है ना, बूर देखने मत जाए, सही मुसलमान है, आपका भाषण देंगे कभी PSL में इधर आओ ना पाकिस्तान में, फिर हम आपको बताएंगे हम कैसे मुसलमान हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं, इंशाल्लाह एक दिन आपके पास जरूर आएंगे और आपसे पूछ लेंगे इस्लाम के बारे में। हाँ, ये मेरी बात कनाडा में नहीं आप फ्रांस में भी आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओ ऐसा मुसलमान नहीं आएगा आपके पास जरूर, ये मेरी बात बेचारे मुसलमानों का नाम जो मर्जी आप जो मर्जी करे बस इस्लाम के बारे में बात, जो मर्जी करे आप नंगी हो जाए
आप फारसी ड्रामे बनाए, फिल्में बनाए, जो मर्जी करे। मैं इस्लाम सिखाने नहीं आई थी कल, मैं तो वर्जिश कर रही थी। आपका बंदा आया जिसने इस्लाम को बीच में घुसेड़ा है, क्यों उंगली की थी मुझको? मैं तो वर्कआउट कर रही थी। जब मुझे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी कि दूंगी? आप मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने। तुम लोग सऊदीया में बैठे हो, बोलो कि हिजाब तुमने आप बेशक नंगे हो जाओ, हमारा तरफ से कोई नहीं, लेकिन इस्लाम के बारे में नहीं, गलत अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में पता है गंदी गंदी। क्या तुम लोग सिखाओ, तुम कैसी हूँ मैं? सऊदी अरब नहीं जाओ, मैं देखो समझते हैं वहाँ पर वो, और मुझे आके सुना। आप सब जानती है, मेरे बात सुने, मेरे बात सुने, जाओ मेरे बात सुने कंजरी, मेरे बात सुनना कंजरी, जाओ नमाज पढ़ो। मेरे मुंह कैसा है? मुंह अपने मुंह को देखो, लानत पड़ रही है, लानत हो तुम पे, लानत। मेरे बात सुने बे, मेरे बात सुन, मेरे बात सुन, मेरे बात सुन, मेरे बात सुन। आप ऐसे करें ना, आप जैसे भी करनी है ठीक है, जो भी करने हैं हमारे इस्लाम पे मत जाए, बस आपकी मेहरबानी होगी। अभी आप तो मत घुसेड़ो अपना इस्लाम मेरी मेरी लाइफ में, आप उनसे नहीं छेड़ रहे, आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आप इस्लाम के ऊपर नहीं। मेरी बात सुने, आईने में एक बार अपनी शक्ल को सही तरह चेक करो, ये जो आपकी मुंह है ना, आपने नहीं वो रंडू का नहीं, वो लॉन चूस चूस के आपका मुंह क्या हो गया, आपने देखा है? जॉन सिंह, जॉन सिंह आपके साथ सोया था वो, जॉन सिंह, जॉन सिंह कितना लंबा था, जॉन सिंह, जॉन सिंह आज अपने साथ बिठाकर सारी राजूत के साथ ऐसे ऐसे गांड मरवाती है अपने, इस्लाम में ये हुआ क्या हो गया, तुम इस्लाम के बारे में क्या बोली है? इस्लाम को पता नहीं है। अच्छा तो मुझे पता है दुनिया में क्यों गई, पता है इस्लाम छोड़ के, क्योंकि उनका बहुत लंबा लंबा होता है। कौन सी हदीस से खाई गालियां, कौन सी हदीस और कुरान से गालियां सीख कर आए हो बताओ? जॉन सिंह का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा था, इसलिए उसके उसको अपने साथ भी लाया। रात उसने आपके साथ गुजारी थी या नहीं? जॉन सिंह ने किसने गुजारी थी? नहीं, आपकी 40 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, आपने शादी नहीं की, इस उम्र में कोई और शादी नहीं करेगी, आप रोजाना रोजाना आपकी शादी होती है। जवान हूँ अभी तो, मैं जवान हूँ अभी तो, जवान नहीं, तेरा काम हो गया है, जवान वो नहीं होती है, जवान है। तुम पठान है, बूढ़े बूढ़े के पास आओ, तुम्हें जवानी दिखाएंगे। हमारी जवानी तो खुदा के पाकिस्तान में होती थी, तो एक पठान को नहीं, पठान को एक रात अपने साथ उसको उसके साथ गुजारती थी, फिर वो आपको जवानी दिखाता था। अभी तो लंदन में गई है ना, उनका वो काम वाला नहीं है, इसलिए तो उधर गई है। जाओ तुम नवाज शरीफ के पास जाओ, वो भी लंदन में, नवाज शरीफ भी लंदन में, उसके काम मिनेंद्र खान हमारे कप्तान के पास आओ, कप्तान के पास। ये वीडियो तो वायरल होनी चाहिए। हाँ, जहाँ बोलो बोलो, और बोलो चाहिए, बोलो बोलो, और बोलो, और क्या बोलो मैं, बोलो अपने मुंह को देखो, मुंह को चूतिया, आपकी शक्ल जो है ना, शक्ल वो देखने वाले नहीं है, वैसे आप अपने जो है ना, जो ये क्या बोलो मैं भी आपको, मेरे बात सुनिए, आपने मेरे जिन ये कह रहे हैं ना, आप जो ये स्टाइल मार रहे हैं ना, ये जो आपकी जो स्टाइल है खलीफा जी, अब मेरे जहन ये काम करेंगे, आप ये अपने आप को ये इशारा दे रही थे, मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तुम्हें कैसे पता मियां खलीफा कौन है, तुम्हें कैसे पता? वो आप कल खुद कह रहे थे कि ना जॉनी सिंह, और जॉनी सिंह मुझे पता है मियां खलीफा का दोस्त है, तुम्हें कैसे पता? तुम तो अच्छे मुसलमान हो, तुम्हें कैसे पता जॉनी सिंह कौन है? सारी दुनिया उसको जानती है, सारी दुनिया उसको जानती है, तुमको कैसे पता? हमें पता है ना, हमने देखा है आपके सामने, तुम लोगों ने उसने उसने कल उसके टेंट का नजर आ रहे थे, उसके टेंट से सब कुछ यार, भाग क्यों है? अभी तो मैंने तुम लोगों से अच्छी बात नहीं करनी थी यार, तुम भाग गए, ये भाग कैसे गए?
मेरे साथ दोजख में जलने वालों, आ जाओ, मैं आ गई हूँ तुम लोगों को दोजख में जलाने की, ले जाने की अपने साथ। साला गधा है, हाँ सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, गधा है, ये है वो है यार। वैसे वो जो स्टाइल था, कैसे स्टाइल मार बैठे रहे सारे लोग, कैसे कैसे लोग हो गए इस दुनिया में। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, मैंने जो है दोस्तों मिले जाने के लिए, ओ पहले चेक कर लेना कि कोई पेंट वेंट तो नहीं फटी हुई है, माल फंक्शन ना हो जाए कोई। गाइस जरा शेयर कर दीजिए, ऐसी कॉलिंग सिर्फ आपको यहाँ पे ही सुनने को मिलेगी, ठीक है। देखिए आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपका दिमाग खराब है। आजकल की दुनिया में ये धोसलेबाजी नहीं चल रही है, आप इस पे बात नहीं करो, उस पे बात करो, यू नहीं करो, वो नहीं करो, स्पेशली सीरियसली, ओ माय गुडनेस, टुडे यू लुक सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। अंजार खान जरा स्टार्स मार के बताइए ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। गाइस आप सपोर्ट कर सकते हैं, आगे आप फिर से आगे मेरे दिमाग खाने, मैंने अपने आप को इतना कैसी हो, धुलाई कर रहे हो, थोड़ा सा धुलाई रहेगी ना, दिल में कुछ रहता है, मैंने कहा वो भी समझा दूं आपको। वो तुम्हारे दिल की मैं क्यों परवाह करूं, मेरे का दुलाई मेरे खत्म नहीं हुई ना, उसने सुनाई नहीं दे रहा था आपको। तुम आ रही, मैं क्यों सुनूं, तुम कौन से एमबीए करते हो, तुम सऊदी में बैठे हो, तुम खुद वहां पे एमबीए को ठीक करो पहले, मुझे ठीक करने से पहले। सऊदी में नहीं बैठा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान में हूँ। अच्छा तो हमारे तरह पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से ठीक करो पहले। पाकिस्तान में जो फैशन शो होते हैं स्टाइल 360 आता है चैनल, उसमें क्या पूरी खबरें पहन दिए होते हैं, वो बंद करवाओ ना जाकर पहले। आप पूरी खबर बैठी थी पाकिस्तान में ना, मेरा चैनल पाकिस्तान में आता, तुम अपनी मर्जी से आते, ठीक है, और आगे मुझे सुनाते हो इस्लाम क्या है, इस्लाम नहीं है और ये वो, पहले खुद तो अच्छे मुसलमान बचो, तुम्हारा इस्लाम कहता है कि तुम जाकर किसी औरत के साथ बात करो। आपको अभी समझाने का हक नहीं रहा है, हम आपको नहीं समझा रहे, हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर मत जाइए, इस्लाम के बारे में कुछ बोलो। मैंने तुमसे साफ बात कर दी, आप मुझे समझा नहीं रहे, आप बीच में क्या जवाब, नहीं नहीं मैं जवाब क्यों नहीं दूं, अगर आके कोई मुझे इस्लाम सिखाएगा मैं उसको क्यों नहीं जवाब दूं। देखो जवाब मुझे दे दे, आप जवाब, आपका भी हक बनता है, मेरे भी सुनना आपका हक बनता है, हमें आपको कोई भी सुनाएगा नहीं, इन्हें दिखाएगा कि ये करना है वो करना है, आप में कुछ रहता नहीं है दिखाने और समझाने का, आप तो ये समझा रहे हैं कि आप हमारे दीन के ऊपर मत जाइए, दीन के ऊपर मत जाइए, और आपकी मर्जी आप जो करने करो, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक बात करती हूँ, सुने मेरी बात सुनिए, ये जो चीज है ना, पहली बात तो ये कि मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं था कल इस्लाम का जो इस्लाम में नहीं है, जो आपके मौलवी साहब नहीं कहते, एक सेकंड सबर सबर करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि तुमको क्या पता है कि YouTube पर एक्स मुसलमान और मौलवियों के बीच में कितनी डिबेट्स हो रही है, तुमको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, एक अपोस्टेड प्रॉफिट के नाम से बंदा है, उसकी लाखों में फॉलोइंग है, वो टर्की का है, एक्स मुसलमान है, वो बैठा है यूएस में, उसका कॉन्टेंट मेरे से लाखों ज्यादा लोग देखते हैं, उसके साथ कितने मौलवियों ने जाकर डिस्कशन की है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तुम्हारी इस्लाम की बातें लिखी है, तो इसमें गुस्सा क्यों होते हो। नहीं मैं, मुझे बताओ, मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली थी जो लिखी नहीं है ना, मुझे पढ़ाई गई थी, मैंने वही बात की जो पढ़ाई गई और लिखी गई, मैं भी तो मुसलमान ही थी ना एक टाइम पे, तो उसपे तुम्हें गुस्सा क्यों चढ़ गया। गुस्सा ये चढ़ गया कि तुम बोलते, तुम हमारा इस्लाम बदनाम कर रहे थे कि इस्लाम में ये होता है और वो होता है और वो होता है, इसलिए मुझे जो गुस्सा आ गया, इस्लाम को बदनाम मत करो, मजहब है। सुनो मेरी बात, तुमने शायद कुरान पढ़ा है, सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 34 पढ़ना, इसके साथ बोलो, इसके साथ बोलो, क्या जो साथ मेरी अपडेट कर देगा, चैप्टर 4 34 पढ़ो, उसमें लिखा है कि आप अपनी औरत को मार सकते हो, पिटाई कर सकते हो, ठीक है। आजकल के स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ते हैं, आप मस्वाक से मारो, प्यार से मारो, ऐसे मारो कि खून ना निकले, ऐसे मारो कि निशान ना पड़े, हड्डी ना टूटे, ओ भाई मारो ही क्यों, तलाक दे दो, ये भी लिख सकते थे। अच्छा आगे बढ़ते, एक सेकंड, दूसरी बात ये कि लॉन्डी जिसे कहते हैं सेक्स स्लेव, वो रखे जाते थे इस्लाम में, वो तो आपके आपके मौलाना भी बोलते हैं, जो आपके मौलाना बोलते हैं,
गलत बहुत आगे जा रही है, कंट्रोल हो जाओ। मैंने आपको बोला है कंट्रोल, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन से आउट हो जाओ। मैं मुसलमान हूँ, आप गैर मुस्लिम हो। तुमने पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है इस्लाम का? मैंने सब कुछ पढ़ा है, आपको पता नहीं आज। अच्छा मुझे बताओ फिर, मरियम किप्तिया कौन थी? कौन थी? मैं आज मेरी बात सुनो, मैं आपसे वो सवाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताइए आप। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप गैर मुस्लिम है, मेरी बात सुनो। जिसके साथ बात करनी है बात कर लो, ठीक है, लेकिन इस्लाम के इस्लाम के इस्लाम पे मत जाए। बस इतना ही सवाल पड़ा, मैंने दो नाम बताया। मेरी बात सुनो, आप जिसके साथ भी बात करते हैं उसको ये कहते हैं कि इस्लाम में लड़कियों को औरतों को मारते हैं, वो है गलत है। तुम इस्लाम पे रोजाना क्यों जाती है? मेरी बात सुनो, अगर 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 इस्लाम से पहले सब तो खदीजा कहाँ से आई? फिर की माँ कहाँ से आई? और जो मर्द उस वक्त जिंदा थे उनकी अम्माएं कहाँ से आई? अगर सबको मार रहे थे, विच इज नॉट ट्रू के सबको मार रहे थे, तो ये आपने कभी बात सोची? इस्लाम मेरे बात सुने मेरे पास, आपकी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको लियो देख रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुने, दूसरे गैर मुस्लिम लड़कियां भी बात करते हैं लेकिन वो इस्लाम की बातें नहीं करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। आप जिससे भी बात करते हैं आप इस्लाम भी जाती है, इस्लाम से आपका मसला क्या है? एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के साथ झिकझिक नहीं करने बैठी यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि तुम लोगों ने इस्लाम क्या, कुरान क्या, कोई हदीस की बुक उठा के नहीं पढ़ी। मेरी बात सुनो पहले, तुम लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, अपनी मस्जिद में जाओ और मौलवी साहब से पूछ के आना कि मरियम किप्तिया कौन थी, हफ्सा कौन थी, क्या हमें इस्लाम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जितना सीखा है हमें वही पता है, आप हमें लेक्चर मत दे दो। आपने जो लेक्चर सुना है ना, वो मेरे साहब आपको जवाब देगा इसके बारे में, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है ना। आपने जिस तरह मौलवियों से पूछ कर, आप तो कनेडा गए हैं, अभी हमें भी वही तरीका सिखा रहे हैं। हमने इस्लाम में जितना सीखा है, हमारे वालदेन ने हमें सिखाया, वही हमारे लिए काफी है, ठीक है। आगे कोशिश करेंगे, आगे भी हम कोशिश करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। हम अपनी किसी को इस्लाम के बारे में सीखें, आप हमें लेक्चर मत दो। आप कौन होते हैं? आप लड़कियों पर इस्लाम का नाम भी अपनी जुबान से ना दो, हमारे इस्लाम की तोहीन होती है। आप अपने ये जो मुंह से ना, अपना जहन्नमी मुंह से इस्लाम का नाम जो लफ्ज भी इस्तेमाल ना करो, आप कंजरी हो, इस्लाम का तोहीन ना करो। आप बोल दो, रंडी बोल दो, और भी बोल दो, अभी कुछ और। ये सिखाता है तुम्हारा इस्लाम? यहाँ तो बोल देता हूँ, जो गंदे आदमी वो इस्लाम का नाम ही लेते हैं, गंदी कंजरी गांडी। आप गांडी हो तो इस्लाम का नाम लेते हो, गांडी। आप जो है ना, मेरे बाल सुने, आप इस्लाम का नाम भी लेते हो तो हमारे इस्लाम की तोहीन होती है। आप कंजरी इंसान हो ना, अभी ठहर जाओ ना, हम आपके सॉफ्टवेयर आज अपडेट करते हैं। यार अपनी माओ के नाम मत बताया करो यहाँ पर, तुम लोगों को टके का नहीं पता इस्लाम का, आ गए यहाँ पर अपनी। हमको सर इस्लाम का पता है, अभी आपकी सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो रही है, दो मिनट ठहर जाओ, आपकी सॉफ्टवेयर ही अपडेट करते हैं। आप अपनी गंदी जबान से जो है ना इस्लाम का नाम भी मत ले। इस्लाम क्या कर लेगा तू, उखाड़ के दिखा दे, तू उखाड़ के दिखा दे, तू उखाड़ सकता है। चलो चूती है इंसान, तुम लोगों को खुद पता नहीं है, तुमने खुद अपनी बुक नहीं पढ़ी है, तुम्हें खुद तुम जाहिल को यही नहीं पता मरियम किप्तिया कौन है, और तुम यहाँ इस्लाम बताने आए हो, बचाने आए हो, और आखिर में आ गए अपनी औकात पे, रंडी कंजरी कश्ती, ये कौन सी हदीस में, यही सिखा दिया इस्लाम ने, बस ये सिखा दिया इस्लाम ने कि औरत आगे से अगर जवाब करे, सवाल जवाब करे, कुछ बोले तो रंडी कश्ती और यही बोल दो, बस दैट्स इट। तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों से भी मैंने एक आयत पूछ ले रही थी तो वहीं पे तुम लोगों की टट्टी निकल जानी थी, तुम लोग मुझे सिखाओगे यहाँ पर आकर? What the fuck is this? What kind of fucking bullshit is this? पागल लोगों। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।